कर रहे थे कि कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं और दो बेसिकली टाइप के जो मैंने बताया उसमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या प्रॉपर्टीज होती है, अमॉर्फस सॉलिड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर कितने टाइप में क्लासीफाई करते हैं, तो बताओ कितने टाइप में क्लासीफाई कर किया था अपन ने, चार टाइप में किया था, कौन कौन से, मॉलिकुलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स और लास्ट में कौन सा था, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, है ना। स्टूडेंट आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, उसका आप थोड़ा फोकस करना, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा लेकिन इसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, वॉइड्स, है ना, इस पर आज अपन बात करने वाले हैं। और थोड़ा मैं यहाँ पे आपको क्यूब के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद अपन टॉपिक पे आएंगे, है ना। तो ध्यान देना वॉइड्स, देखो स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ कि क्या सॉलिड 100% पैक होते हैं, क्या सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे पैक होते हैं, क्या उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, कोई भी इंटरस्टिशियल साइट नहीं होती, स्पेस से मतलब कोई खाली जगह नहीं होती, वैकेंट साइट नहीं होती, तो अपन क्या बोलेंगे, बिल्कुल होती है, कोई भी एटम 100% पैक नहीं होता, कोई भी सॉलिड 100% पैक नहीं होता। कहने का मतलब जो एटम से मिलकर बन रहा है, चाहे वो मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा है, चाहे वो आयन से मिलकर बन रहा है, उनके बीच में खाली जगह वैकेंट स्पेस होता है, चाहे कितने ही स्ट्रॉन्ग इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस हो। कहने का मतलब देखो वॉइड्स को मैं यहाँ पे दो टाइप से क्लासीफाई करता हूँ, है ना, या आपको आपकी नोटबुक में ही ऐड कर देना है ना, जब आपके पास नोट्स आएंगे उसके बाद आपको इसको भी लिखना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स्ट्रा टॉपिक है, बट ये समझने के लिए है ना, इसके बाद आगे भी चीजें समझ में आएंगी। तो वॉइड्स में अपन बात करें, देखो एक मैं बोलूँ 2D वॉइड्स, टू डायमेंशनल वॉइड्स, और एक अपन पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल वॉइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 2 डायमेंशनल वॉइड्स और 3 डायमेंशनल वॉइड्स में अपन को एक चीज बिल्कुल क्लियर करके चलनी है, क्योंकि सॉलिड स्टेट बिल्कुल इमेजिनेशन पे बेस्ड है ना, तो यहाँ पे जब भी 2D वॉइड्स की बात करेंगे तब मैं एटम्स को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे, ठीक है। और ये 2D में बात हो रही है तो अपन इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, एटम को यहाँ पर सर्कल, क्या कंसीडर करेंगे, सर्कल। और आप सबको पता है सर्कल का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। भाई एक सर्कल का वॉल्यूम कितना होगा, जब दो चार मिलेंगे तो बीच में वैकेंट साइड जनरेट होगी और कितनी होगी, कितना ही क्लोजली पैक्ड होंगे, इन सारी बातों को आपको यहाँ से धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करना है। तो अपन वॉइड्स में बात करते हैं 2D वॉइड्स और 3D वॉइड्स। 2D वॉइड्स में अपन बात करेंगे इसको सर्कल मान के चलेंगे, एटम्स को या उसके कोई भी आयन या मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी सॉलिड के होंगे अपन क्या मान के चलेंगे, सर्कल। सर्कल का वॉल्यूम क्या मान लिया, पाई आर स्क्वायर। जैसे ही मैं 3D में आता हूँ अब मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा तो बोर्ड पर तो मेरे पास यही है कि मैं एटम को ऐसे ही बनाऊंगा, बट यहाँ पे मैं इसको 3D में आके क्या बोलूंगा, स्फीयर, है ना। अपन एग्जांपल है इसका फुटबॉल, है ना, फुटबॉल कंसीडर करके चलेंगे, राइट, ठीक है जी। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 IR3, ठीक है। यह आपको बिल्कुल आपका देखने का नजरिया बिल्कुल ऐसे ही रखना है कि 2D में अलग क्या है, आप सर्कल उसको कंसिडर करोगे। जैसे अपन 3D वॉइड्स की बात करेंगे आप उन्हीं सर्कल्स को किस नजरिए से देखने लग जाओगे, इसलिए है ना, क्यों अभी पता लगेगा आपको, ध्यान देना। 2D वॉइड्स में अपन बात करते थे, मैं यहाँ पे 2-3 चीजें आपको सिखाने जा रहा हूँ, है ना, उसका आप थोड़ा फोकस करना। अपन पहले पढ़ेंगे 2D वॉइड्स, उसके बाद आएंगे 3D वॉइड्स पे, ठीक है। 2D वॉइड्स में देखना, सपोज मैंने एक एटम ऐसे रखा, इसके एडजेसेंट में एक एटम ऐसे रख दिया, इसके एडजेसेंट में एक एटम ऐसे रख दिया, ठीक है। जो सेकंड है वो कुछ मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये कुछ मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब ध्यान देना,
एटम भाई सर्कल को अपन क्या मान लेते हैं, एटम एटम का सेंटर क्या होगा, ये इस एटम का सेंटर, ये इस एटम का सेंटर, ये इसका ये और इस एटम का सेंटर। ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब भी अपन बात करेंगे कि वॉइड, वॉइड्स का नेम अपन किस हिसाब से यहाँ पे देने वाले हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा कि जब भी कहीं वॉइड बनती है, आपको वॉइड बनी भाई ये वॉइड स्पेस है यहाँ पे, जब भी कोई वॉइड बनती है और उस वॉइड के एडजेसेंट में जितने एटम है, कितने एटम है इस वॉइड के एडजेसेंट में, 1, 2 और 3, कितने एटम से 3 एटम, इनके सेंटर्स को मिलाने पर जो ज्योमेट्री आपको दिखाई देता है वही उस वॉइड का नाम होता है। बात समझ में आई क्या मैंने क्या बोला, वो तसल्ली से सीखना है, इमेजिनेशन करते चलना है। सर्कल है, सर्कल को ही अपन ने एटम कंसीडर किया है इन केस ऑफ 2D वॉइड्स, राइट। मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसके फर्स्ट केस की बात करें तो ये जो वॉइड है कि ये वॉइड कितने एटम्स के एडजेसेंट में है या कितने एटम्स मिलकर इस वॉइड को जनरेट कर रहे हैं, उन एटम्स के सेंटर को आप मिला दो, जो ज्योमेट्री बनता है वही इस वॉइड का नाम होता है। तो यहां से हम इस वॉइड को क्या बोलेंगे, ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड अगर इसको बोल देंगे, राइट। अब देखो इसके ही सेकेंड वॉइड की बात करें 2D में, फिर अपन 3D में जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देना, अगर ऐसा नहीं करके आप क्या बोलो, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये और एक एटम ये, इससे पहले अपन इसके बीच वाले लाए थे, यहाँ पे एटम लाए थे ना, अब अपन क्या करेंगे बिल्कुल ऐसा ही एक पैटर्न बना लेंगे, एक एटम ये हो गया, एटम और एक ऐसा पैटर्न अभी भी पूरी है। अब हम वॉइड माना लेट हुआ यहाँ पर, अब इस वॉइड से कितने एटम अटैच्ड हैं, तो अपन क्या करेंगे इनके सेंटर को मिला देंगे। कॉन्सेप्ट एक बार सीखना होता है आपको, उसके बाद नई चीजों में आप अपना दिमाग फिर से लगाएं। इधर देखो आपने क्या दिमाग लगाया, आपने क्या किया, इस वॉइड से जितने एटम अटैच थे उसके सेंटर को मिला दिया, जो आपको ज्योमेट्री मिला वही इस 2D वॉइड का नाम होने जा रहा है, दैट इज स्क्वायर प्लैनर, स्क्वायर प्लैनर वॉइड। बात समझ में आ गई, कुछ भी नहीं है ना सर, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि जो वॉइड से जितने एटम्स अटैच हैं उनके सेंटर को आप मिला दो, जो ज्योमेट्री बनेगा दैट इज द नेम ऑफ दैट 2D वॉइड्स, और वट एवर 3D वॉइड्स का भी यही कंसेप्ट अपना होने वाला है। तो दो टाइप की 2D वॉइड्स पड़ी है अपन ने, ट्रायंगुलर वॉइड और स्क्वायर प्लेनर वॉइड, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप इसको लिखना, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। क्या होता है ये, देखो मेरी बात सुनो, क्या बोलेंगे, देखो सपोज मैं आपको बोल दूं ट्राई एंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ट्राई एंगुलर वॉइड जो आपने बनाई है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि वॉइड से जितने एटम्स डायरेक्टली अटैच हैं, टॉपिक पॉइंट पे जाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने क्या बोला, द नंबर ऑफ एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच टू दैट वॉइड, भाई कितने एटम्स डायरेक्टली इस वॉइड से, डायरेक्टली से मतलब है देखो इस वॉइड में डायरेक्टली अटैच 1, 2 और 3, अपन इसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि ये इससे अटैच है, इस वॉइड से अटैच नहीं है, आएगा। तो जितने एटम वॉइड से डायरेक्टली अटैच होंगे दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट वॉइड,
that will be the coordination number of that particular void. So in case of triangular void, ये आप लिख लेना, स्टार लगा के आपके नोट्स में इसको लिख लेना, ये मिलेगा नहीं पूरा टॉपिक आपको नोट्स में ना, ये काफी थोड़ा एडवांस है अपने लिए, लेकिन आपको सीखना भी बहुत जरूरी है, इजी भी होता है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड क्या हो जाएगा कि वॉइड से जितने एटम्स डायरेक्टली अटैच हैं वही उस वॉइड का क्या होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मुझे बता दो फटाफट से ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कितने एटम्स अटैच है डायरेक्टली यहाँ पे, थ्री एटम्स, कितने हैं भाई, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, हाँ जी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ फटाफट से, इस वर्ड से कितने आइटम, 1, 2, 3 and 4, तो ये बात है आपके कोऑर्डिनेशन नंबर ना। एक लाइन में आपको इस टॉपिक की जस्ट बाद में बताऊंगा, पूरे टॉपिक के बाद में, वो भी आपको यहीं पे इस पॉइंट के साथ अटैच करना है, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, राइट। ये बात हो गई, अब अपन जब 2D सीख लेते हैं तो अपन 3D पे अप्रोच करते हैं, राइट। तो दो टाइप की वर्ड सीखी, ट्राइंगुलर वर्ड और स्क्वायर मिरर वर्ड, विच इज द टाइप ऑफ 2D। एंड यहाँ मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि जहाँ पर वॉइड जनरेट हो रही है उससे डायरेक्टली अटैच एटम के सेंटर्स को आप जॉइंट कर दीजिए, जो ज्योमेट्री आपको मिलता है दैट इज दैट विल बी द नेम ऑफ दैट वॉइड, ओके। अब 3D में बात करते हैं, है ना। तो 3D में आपको कंसिडर क्या करना है, एटम्स को स्फीयर मान के चलना है ना, और स्फीयर में मैंने आपको बताया फुटबॉल आप कंसिडर कर देंगे, फुटबॉल आप मान कर चलिए। तो पहला वॉइड माने, अब मैं पहले नाम लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है और मैं उसको अभी भी यहाँ पे प्रूव करके चलूंगा, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड, शॉर्ट में इसको लिखते हैं TD, टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। आप सबने पढ़ा है यहाँ क्लास में कि मीथेन sp3 हाइब्रिडाइज होता है जिसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, यही है स्टूडेंट्स, ये है मीथेन का ज्योमेट्री। या स्ट्रक्चर अपन बात करें sp3 हाइब्रिडाइज होता है ना, बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कितना होता है, ईच बॉन्ड एंगल विल बी 109°20′ ना, इधर ध्यान दीजिए ये सारे एंगल। अब देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसा होता है, बेस में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, बेस में ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और इसके एटम के जस्ट ऊपर एक एटम होता है और ये एक एटम जो ऊपर वाला है ये नीचे तीनों जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं उससे कंबाइंड होकर एक ज्योमेट्री बनाता है, दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब यहाँ पे वॉइड की बात करें तो कहने का मतलब वॉइड जनरेट होगा तो वो वॉइड जनरेट होगा उससे डायरेक्टली अटैच एटम को अपन ज्वाइंट करेंगे, मिलाएंगे उनके सेंटर्स को, तब उनको कौन सा ज्योमेट्री देखने को मिलेगा, टेट्राहेड्रल, तभी उसका नाम क्या रखा, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये कॉन्सेप्ट तो यही है ना, इधर ध्यान दो, एक एटम ये रहा, एक एटम ये बनाया और एक एटम ये तो नीचे वाले थ्री एटम्स हो गए। अब इनको आप कैसे देखते हो, सर्कल, गलत नहीं है, 3D में आपको कैसे इमेजिन करना है, इसके कहने का मतलब अगर मैं 3 फुटबॉल्स रखूँ, एक यहाँ पर, उसके एक यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसके बीच में जो वॉइड जनरेट हुआ है उसके ऊपर मैं एक और फुटबॉल लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होने। अब ये कैसे हुआ है, इधर इसको देखो आप, 3 फुटबॉल नीचे थी सेट प्लान में, उसके बीच में खाली जगह में एक और फुटबॉल लाकर रख दिया, तो बीच में जो जगह बना है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। हाउ इट कैन बी एक्सप्लेन, आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर, देखो 3 फुटबॉल्स हैं, अब उनको समझने के लिए इनका साइज क्या करना है, छोटा कर देना है, 1, 2 और 3, ये 3 फुटबॉल्स नीचे वाले हैं, है ना। क्या ये तीनों आपस में अटैच हैं, बिल्कुल अटैच हैं, इनको करने कह दिया, इनको इनके ऊपर अपन क्या ला रहे हैं, एक एटम ला रहे हैं, एक और फुटबॉल ला रहे हैं और फुटबॉल को यहाँ पे एटम का चल रहे हैं, तो इसको क्या ये एक ऊपर वाला फुटबॉल नीचे तीनों से अटैच है, बिल्कुल है, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया और इससे इसको ये अपन क्या बोल रहे थे, टेट्राहेड्रल। तो इसके बीच में जो खाली जगह है दैट इज दिस वॉइड इज नोन एज टेट्राहेड्रल।
ओके कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि इन दो से कितने एटम डायरेक्टली अटैच हैं, 4 है। ठीक है, तो इसको ऐसे बना देंगे अपन, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा इमेजिनेशन का गेम है। फर्स्ट ये आपका 3D वर्ल्ड होता है कंप्लीट। सेकेंड पे अपन बात करते हैं 3D वर्ल्ड में ऑक्टा हेड्रल वॉइड, OH ऑक्टा हेड्रल वॉइड। अब ध्यान देना है, वही कॉन्सेप्ट है कि अगर वॉइड यहां पर ऑक्टा हेड्रल है तो ज्योमेट्री उससे अटैच डायरेक्टली अटैच एटम को मिलाने पर, उनके सेंटर्स को मिलाने पर जो ज्योमेट्री होगी वो कौन सी होगी, ऑक्टा हेड्रल। तो यहां पे ध्यान दो, सबको ये चार एटम ऑक्टा हेड्रल आपने सीखा होगा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, तब ये 1, 2, 3 and 4 एटम्स है, ये आपस में कैसे होंगे अटैच होंगे, इन फोर के ऊपर एक एटम होगा और एक एटम नीचे होगा, ठीक है, और ये कैसे होंगे आपस में अटैच होकर क्या बना लेंगे, ये ऑक्टा हेड्रल। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस टॉपिक को सिखाने का एक ही एम है कि आपको वर्ड्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आगे जाके आपके क्वेश्चन आते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है ना, इनके बारे में आप बहुत बेसिक नॉलेज में आपको दे रहा हूँ, कि ज्यादा हेडर मिले नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल। हाँ जी, ये जो वर्ड जनरेट हुआ है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, 4, 5 and 6 ऑक्टाहेड्रल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। देखो ये कैसे हुआ, देखो 2D अपन सीख के आए थे, 2D में अपन ने सीखा था स्क्वायर प्लेनर वॉइड कुछ ऐसा ही था, ये तो हो गया चार एटम। अब इस वाले इसके ऊपर एक फुटबॉल और इसके नीचे एक फुटबॉल, इसको मैंने क्या लिख दिया ऐसे, ठीक है, तो ये चारों यहाँ पे अटैच है, तो ये 1, 2, 3, 4 एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, और जो इनको आपस में मिलाया तो मुझे कौन सा ज्योमेट्री मिला, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है स्टूडेंट, 6, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप, दो हो गए यहाँ पे, थर्ड टाइप में लिखते रहो अंदर, वर्ड्स का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं दे रखा होगा ना आपके, यहाँ पे अपन को सीखना है थर्ड अटम को सीखना है क्यूबिकल बॉडी, क्यूबिकल बॉडी है ना, कहने का मतलब ज्योमेट्री जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, क्यूब बनने वाली है, कौन सी बनने वाली है, क्यूब। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर प्लेनर अपन ने सीखा, इसलिए मैंने 2D आपको पहले पढ़ाया ताकि आप 3D को अच्छे से समझ सको, बस फर्क ये है वहां पे आप सर्कल मान रहे थे, यहाँ पे आप फुटबॉल मान के चलते, ये स्क्वायर प्लेनर हो गए है ना। अब यहाँ पर मुझे क्यूब बनाना है तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर ही रखना पड़ेगा एक और, एक एटम इसके ऊपर, इट मीन्स मैंने क्या किया है 1, 2, 3, 4 फोर फुटबॉल्स और इनके ऊपर से हम 4 फुटबॉल्स और रख दिए, तो जो बीच में जो आपका वॉइड बना है वो कैसा वॉइड है, क्यूबिकल वॉइड। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो यही है, ठीक है। अब ये है तो यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, सपोज ये ऊपर वाली 4 फुटबॉल्स बना दी, तो यहाँ पर ध्यान, नीचे वाली 4 फुटबॉल्स कैसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी। अब क्या नीचे वाले 4 फुटबॉल्स आपस में अटैच हैं, कहने का मतलब चारों एटम 4 एटम्स जो हैं वो आपस में अटैच है, बिल्कुल है। क्या ऊपर वाले 4 फुटबॉल्स आपस में अटैच हैं, क्या ये आपस में भी अटैच हैं, बिल्कुल हैं, ये एक दूसरे से भी क्या है अटैच है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, क्यूब मिल गया, दैट इज क्यूबिकल वॉइड है ना। अब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें अपन, तो ये क्या होगा बताओ जरा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास आएगा 8 एटम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका वर्ड्स का है ना, एक बार फिर से अगर स्कूल की बताओ, हाँ एक पॉइंट मैंने आपको बताया था आपको कहाँ लिखना है तो उसको भी अभी समझते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने वर्ड का बताया,
इसमें मैंने आपको बोला कि वॉइड जितने डायरेक्टली एटम से अटैच होगा वही उसका क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब वॉइड का मीनिंग क्या है कि जब वो एटम्स पास पास आ रहे हैं तो उनके बीच में जो वैकेंट साइट है उसको ही आप क्या बोल रहे हैं वॉइड बोल रहे हैं। अब ध्यान देना जो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा था उसके बारे में, अगर उस वॉइड में कोई एटम आता है, कोई बाहर से कोई एटम आता है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत काम आएगा आगे। उस वॉइड में कोई एटम बाहर से आता है, गेस्ट एटम आता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी वही होगा जो उस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। बात सिंपल सी है लेकिन बात धीरे धीरे समझ में आती है जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़े। आपको यही से इसको दिमाग में चिपका लेना है, क्या होगा वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही उसमें आने वाले एटम का क्या होगा कोऑर्डिनेशन। अरे भाई सीधी सी बात है, सपोज आपने ये ट्राइंगुलर वॉइड पढ़ा, अब ट्राइंगुलर वॉइड में यहाँ पे कोई एटम आ रहा है, अब यहाँ पे कोई एटम आ गया तो वो एटम कितने एटम से अटैच है, बगल एडजेसेंट में थ्री एटम से है, तो यहाँ पे भी क्या बना रहे इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आने वाले एटम का भी क्या होगा थ्री। तो मेरी बात सुनो फटाफट से मुझे एक बार इसको रिकैप करो टॉपिक को, बताओ जरा क्या पढ़ा वॉइड में आपने पढ़ा कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक होती है 2D वॉइड्स और एक होती है 3D वॉइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना 2D वॉइड में आपने क्या पढ़ा दो टाइप की पढ़ी, अब ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है ट्राइंगुलर वॉइड स्क्वायर प्लेनर वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 3D वॉइड में अपन गए तो यहाँ पर अपने 3 टाइप्स की पढ़ी, एक आपने कौन सी पढ़ी टेट्राहेड्रल, एक पढ़ी ऑक्टाहेड्रल, एक आपने पढ़ी क्यूबिकल वॉइड। ठीक है टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ ऐसी थी या फिर इसी वजह से बना टेट्राहेड्रल ना या कुछ ऐसा बन गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या था 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या थी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या थी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्यूबिकल वॉइड क्या था, क्यूबिकल वॉइड जो क्यूब जनरेट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8। दो बार मैंने बताई वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उससे डायरेक्टली अटैच एटम का नंबर ही उसको वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और जो वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही उसमें आने वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये बात किया ठीक है, थैंक यू।